कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्टिकल 40 है इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन के लिए बोला, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रामीणों को विकास के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सत्ता के साथ सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया था। और ये जो सपना था ये महात्मा गांधी का था कि हमारा जो ग्रामीण हो वो आत्मनिर्भर हो, यानी ग्राम स्वराज, यानी गांवों का उत्थान होगा तो भारत का उत्थान अपने आप हो जाएगा। ये किसका संकल्पना थी? महात्मा गांधी की। इसी संकल्पना को भारतीय संविधान सभा ने आर्टिकल 40 में रखा और इसी 40 के तहत पहली बार 1952 में, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया, 1950 में, तो जो संविधान में प्रावधान रखे थे धीरे धीरे उसको जमीनी स्तर पर लागू करना प्रारंभ किए। जैसे मतलब हमने एक प्लान बना लिया कि हमें अपने देश को इस तरह ले जाना है, तो हमने 1950 में बना लिया, संविधान में सारे प्रावधान रख लिए, अब उनको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर 40 में, जब आर्टिकल 40 में हमने ग्राम पंचायतों के गठन की बात की कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करेंगे, इसके लिए कार्यक्रम लाया गया 1952 में 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 को, उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। KM मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जब ये कार्यक्रम असफल हुआ, बाद में देखा कि इन्होंने ये जो कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ पर ग्रामीणों की ज़्यादा दिलचस्पी या फिर जन सहभागिता नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, 1957 में एक समिति का गठन किया, उसका नाम था बलवंत राव मेहता, ये आपके नोट्स में होगा, बलवंत राव मेहता समिति का गठन किया। इन्होंने सिफारिश किया कि ग्रामीण लोग डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हमसे, इस वजह से वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी चाहिए। और इन्हीं की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। ये जमीनी स्तर पर था। इसके बाद थोड़ा सा आगे जैसे बढ़ेंगे तो 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो ये व्यवस्था उतनी रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पाई। फिर मैंने कल बताया था कि अलग अलग समितियाँ थी आपको वहाँ पर मिलेगी, जैसे PK थुम्बन समिति है, LM सिंघवी है, DN गाडिगल समिति है, इन समितियों ने अलग अलग समय पर सिफारिशें दी कि आप पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करो। इसी के तहत जो LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई थी, 1986 में गठित हुई थी, उसकी सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और उनके एक मजबूत अधिकार के साथ संविधान में शामिल करने के लिए इसने सिफारिश की, और इसी की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1992 में और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। ये एक शॉर्ट फॉर्म में है थोड़ा थोड़ा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और वो है क्या और उसके बाद की कहानी। ये कल हमने पढ़ लिया था, है ना, कि 73वां संविधान संशोधन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था 1993 में, इसीलिए अब 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसके बाद कुछ फैक्ट थे कल, जहाँ से आज हमको जहाँ शुरू करना है, इन फैक्ट में आप देखना कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे भारत गणराज्य के इसमें देखिएगा फैक्ट, भारत गणराज्य के 43वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ। अब देखिए इस बात को समझिएगा, एक होता है स्वतंत्रता दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, ठीक, 15 अगस्त को। एक होता है गणतंत्रता दिवस, एक क्या होता है, गणतंत्रता दिवस, यानी गणतंत्र जो होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। अब देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 1992 में अधिनियम आया और 1993 में लागू हुआ, और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 1950 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। यदि इसमें हम 43 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 1993 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो संविधान लागू उसके 43वें वर्ष, ये जो लाइन है यहाँ पर यही कहती है कि भारत गणतंत्र गणराज्य के 43वें वर्ष संसद द्वारा यह अधिनियम लाया गया। कभी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले ये लाइन को बना करके, या फिर आप जनरली किसी से बात करो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत के गणतंत्र होने के बाद 43वें वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। ये मैंने आपको समझा दिया गणतंत्र दिवस क्या है, है ना। गणतंत्र का मतलब होता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, रिपब्लिक डे,
मैंने एक दिन और समझाया था कि गणतंत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र का प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन होता है। उसका जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। एग्जाम्पल एक दिन मैंने दिया था कि जो ब्रिटेन का महारानी है या महाराजा होते हैं, उनका जो पद है वो वंशानुगत होता है। उनके वंश के ही कोई व्यक्ति ताज पहनकर, क्राउन पहनकर बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होता है, लेकिन अपने भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता है, संसद के रूप में जाता है, और राष्ट्रपति का भी प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत चुनाव होता है। तो भारत एक कैसा देश है? गणतांत्रिक देश है, समझ गए? ब्रिटेन एक गणतांत्रिक देश नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि वहाँ की जो सरकारें चुनी जाती हैं लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं, लेकिन वहाँ का जो राजा है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता। हो सकता है कि आने वाले समय में राजा एक हाथ से अपंग हो या फिर एक पैर से अपंग हो, फिर भी राजा वही बनेगा, क्योंकि वो वंशानुगत चला रहा है, या फिर उसमें कोई ऐसी क्षमता नहीं है, या फिर उनके कोई और वंश का बन जाएगा, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। पिछली बार रामनाथ कोविंद जी थे महामहिम, इस बार महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक, अगली बार कोई और होगा, ठीक है। तो इसके पहले और भी कई लोग थे जो अलग अलग वर्ग से थे, ठीक। तो अपने यहाँ वंशानुगत नहीं है। कैसा होता है? निर्वाचन। तो जिस भी देश का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है उसको बोलते हैं गणतांत्रिक देश। कैसा देश? गणतांत्रिक देश, रिपब्लिक कंट्री, ठीक। तो हमारा एक देश कैसा है? गणतांत्रिक देश है, क्योंकि हमारे संविधान में किया गया। तो यही भारत गणराज्य के 43वें वर्ष जो 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कम 4-5 तक क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए मैं ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ, कहीं से भी घुमा के पूछे ना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद, और वो संविधान लागू होना नहीं लिखेगा, वो यही लिखेगा भारत गणराज्य के कितने वर्ष बाद पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की मान्यता मिली। तो फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा 43, क्योंकि हमारा संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। आप यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1993, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संशोधन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जब इस पर संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन। फिर संशोधन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पी वी नरसिम्हा राव थे, ठीक। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया नया भाग कौन सा है? 9वां भाग। 22 भाग है संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, ठीक। अभी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा याद मत करना, वर्तमान में 25 भाग हैं। आपके सिलेबस में संविधान नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, ठीक। 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे, ठीक। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और लगभग 465 अनुच्छेद हैं, क्योंकि संशोधन के बाद 1950 की स्थिति यह है कि 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 465 अनुच्छेद और भाग कितने हैं? 25 हैं। तो धीरे धीरे 1950 से लेकर अभी तक लगभग 73 वर्ष के समय में ये चीज़ें बदल गई हैं, नए नए संविधान संशोधन जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर 73वां संविधान जब जोड़ा गया तो वहाँ पर कौन सा भाग जोड़ा गया था? 9वां भाग जोड़ा गया था, क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई नई अनुसूची, कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची, ठीक है। यहाँ पर मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? 12। तो जो 11वीं अनुसूची है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, और जो 12वीं अनुसूची है वहाँ पर जोड़ा गया है नगरीय निकाय। कौन सी? नगरीय निकाय, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं ये आपको रखना है, 243 से लेकर 243 ओ तक। आगे जो सारणी बनी हुई है वो पूरी सारणी बनी हुई है अनुच्छेद वाइज, है ना। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में रखा गया है? इसको राज्य सूची का विषय है, इस बात को भी ध्यान रखना आपको। देखिए अनुच्छेद 243 से क्या होगा? 243 ओ तक, ठीक। आप ABCD पढ़ते हो, आप ए से जेड तक जाओगे तो इसमें कितने टोटल नंबर होते हैं? 26। तो जब आप ओ में जाओगे तो इसके नंबर कितना आता है? 15। और एक 243 हो गया तो यहाँ पर अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई? 16, क्योंकि एक 243 अलग है, 243 ABCD तक जाएंगे तो 15 तक ये हो गए, तो टोटल कितने हैं? 16। तो आपसे पूछेगा तो 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद रखा गया है। संविधान का भाग पूछेगा तो 9वां भाग, अनुसूची कौन सी पूछेगा? 11वीं अनुसूची, क्लियर। और यहाँ पर जो विषय है किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, कल मैंने आपको बताया था, है ना।
केंद्र सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक। तो यहाँ पर किसकी सूची, कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची। फिर देखिए पंचायती राज में 29 विषयों को शामिल किया गया है, जो इनको काम करने के लिए विषय दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 29। अभी आप 29 को 29 विषय पढ़ोगे, काम दो भागों में बांटे हैं, कुछ काम अनिवार्य हैं जो आपको करना ही है, कुछ काम ऐसे ऐच्छिक है कभी पंचायत के पास पैसा हो तो कर दे, ना हो तो ना करे, ठीक। तो वो कामों को दो भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक कार्य और विवेकाधीन कार्य, मतलब एक अनिवार्य कार्य एक विवेकाधीन। तो विषय कितने हैं टोटल, 29 अलग अलग विषयों में पंचायतों को काम करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सफाई व्यवस्था हो गई, है ना, एक खाद्यान्न की उपलब्धता हो गई, और ग्रामीण में बिजली की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था, ऐसे अलग अलग कितने विषय हैं टोटल, 29 विषयों पर इनको अधिकार दिए गए हैं, क्लियर। तो आपको ये फैक्ट याद करना है। फिर 73वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में कब पेश किया गया, 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया और 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। इसलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्लियर। दोनों फैक्ट आप ध्यान रखना, इसको लिख लो, अब ये 25 जनवरी वाला आप लिख लो कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें, ये वाला फैक्ट ध्यान रखना, शंकर दयाल शर्मा, पीबी नरसिम्हा राव, ये वाला पूरा क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए सारणी कल मैंने याद करके आने के लिए बोला था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एक बार अच्छे से देखा होगा। यदि नहीं देखा होगा आप, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो बोलना काम है, आप नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब पहले दूसरे वाले बच्चे होते तो डंडा मारते हैं लेकर, क्यों नहीं पढ़ कर आए, है कि नहीं। अब हमसे बराबर क्या, हमसे बड़े ही हैं लोग, तो क्या बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें रखी गई हैं। अब 73वें संविधान संशोधन को थोड़ा सा समझिएगा, इस बात को मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन, इसमें पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। संवैधानिक अधिकार देने का मतलब होता है, आप इस बात को समझिएगा, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सांविधिक, एक क्या होता है सांविधिक, एक होता है संवैधानिक और एक होता है गैर संवैधानिक। एक होता है क्या, गैर संवैधानिक, ठीक है। जो जैसे क्या है, ग्राम पंचायतों को जब 1959 में इनको लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को, राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय इनको संवैधानिक अधिकार नहीं थे, ठीक। इनके लिए एक अधिनियम लाया गया था और उनको लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा, पहले देखिए आप संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जिनके अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन या स्पष्ट रूप से उल्लेख भारतीय संविधान में किया रहता है, किसी न किसी अनुच्छेद या किसी न किसी भाग और अनुसूची में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 243 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 में है। ये होता है, ऐसे अधिकारों को बोलते हैं संवैधानिक अधिकार, या फिर ऐसे निकायों को बोलते हैं जो ऐसा काम करते हैं, बॉडी होती है उनको बोलते हैं संवैधानिक निकाय, क्लियर। अब एक होता है सांविधिक, सांविधिक में क्या होता है, इसके लिए क्या करते हैं, लोकसभा में बिल पेश किया जाता है और लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में भी पारित कर दिया जाता है, और जब राष्ट्रपति इसकी क्या कर देता है, अनुमति दे देता है, तो उसको बोलते हैं एक्ट। क्या बोलते हैं, एक्ट, हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, ठीक। और सिंपल भाषा में बोलते हैं कानून, ठीक। कानून बन गया है, लागू नहीं हुआ है, राष्ट्रपति ने जैसे हस्ताक्षर किए तो वो कानून बन जाएगा। लागू कब होगा, जिस दिन अधिसूचना जारी कर देगा भारत सरकार अपने राजपत्र गजट में, जो वाइट पेपर पर जारी किया जाता है, आपने सुना होगा, ठीक। जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी कर देगा और उसमें जो डेट अंकित रहती है, उस दिन से वो कानून लागू माना जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि महिलाओं की उम्र पुरुषों के बराबर करने के लिए कानून बन रहा है, अभी लागू नहीं हुआ, मान लीजिए कानून बन गया लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो यदि कोई
परिवार अपनी बेटी की शादी करते 20 वर्ष में पकड़ा गया तो उसके ऊपर धाराएं नहीं लगेंगी जो अभी कानून बना, क्योंकि लागू नहीं हुआ, उसको पुराने तहत कित करेंगे या फिर जो चीज़ें होंगी उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जिस दिन से लागू हो जाएगा तो फिर पुलिस कार्रवाई उसी कानून के तहत क्या करने लग जाएगी, कार्रवाई करने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो अधिनियम होता है तो इनको कानून के रूप में बना देते हैं लेकिन इसको संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ठीक, उसको संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। अधिनियम के रूप में कानून है, कानून के तहत कार्रवाई होती है लेकिन संविधान में उसका अलग से वर्णन नहीं कि इसके तहत इस अनुच्छेद के तहत कुछ होगा तो फिर महिलाओं के लिए काम किया जाएगा। वो किस रूप में है, कानून रूप में। एक होता है गैर संवैधानिक, जिसका ना तो कानून के रूप में रहता है और ना तो संविधान के रूप में रहता है, बस नॉर्मली जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे प्रधानमंत्री जी हैं। एग्जाम्पल समझिए नीति आयोग, नीति आयोग ना तो सांविधिक है और ना तो संवैधानिक, उसका ना तो संविधान में वर्णन है ना तो कोई कानून है। ये एक बॉडी है, मोदी जी आए 15 अगस्त को बोले आज से योजना आयोग खत्म, नीति आयोग बनेगा, किसी दिन और कुछ कह देंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अब इसमें क्या है, ये तो खत्म हो गया, अब इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कानून बनाना है, जब कानून यदि इस जैसे कोई कानून बना है इसमें यदि बदलाव होगा तो यहाँ पर लोकसभा में पेश किया जाएगा और बदलाव के लिए वहाँ पर मतदान होगा, सभी सांसद एग्री होंगे क्योंकि कानून निर्माता है वो, राज्यसभा में होगा तब बदलेगा। और जब कभी हम संविधान में किसी का उल्लेख कर देते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों के अधिकारों को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया आर्टिकल 243 में 73वें संविधान संशोधन के, तो जब कभी इसमें बदलाव होगा तो इतनी आसानी से बदलाव नहीं हो सकता कि मोदी जी सुबह उठें और शाम को बदल दें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में बिल पारित करना पड़ेगा या राज्यसभा में पारित कर सकते हैं कहीं भी, दोनों जगह से अनुमति होगी, फिर राष्ट्रपति जी पारित करेंगे, फिर जाके वो संविधान संशोधन होगा। जब संशोधन के लिए सभी तरह से एग्री हो जाएंगे, लोकसभा में भी राज्यसभा में सभी लोग राज्य भी एग्री हो जाएंगे, तब जाकर ये क्या होगा, संशोधन होगा, क्लियर। तो संविधान में दर्जा देने का मतलब अब उसको इतनी आसानी से आप बदल नहीं सकते कि कभी भी आए हटा दिए और कभी भी आए उसको ला दिए, तो ये हो जाता। अब जो ग्राम पंचायतों को अधिकार है उनके पास संवैधानिक दर्जा है, और जब संवैधानिक दर्जा हो जाता है तो संविधान का जो अंतिम व्याख्याकर्ता होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो कभी यदि उसके खिलाफ कानून बनता है या उसके खिलाफ कोई अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। कभी कोई ऐसा नेता बैठ गया जिसको अकल ही नहीं है क्या करना नहीं करना, वो आए दिन संशोधन करने में सबके अधिकार छीन रहे, बोले नहीं मुख्यमंत्री अब कुछ नहीं कर सकते, हम ही करेंगे सब कुछ करेंगे, हम ही एकमात्र, ठीक। तो उसके फिर अंतिम व्याख्याता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। आगे बात समझ में। तो जब कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती तो फिर अभी आपने मणिपुर हिंसा में कथन सुना हो डीवाई चंद्रचूड़ जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास क्या है, यदि कानून सम्मत नहीं चल रहा है व्यवस्था लोक व्यवस्था तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, ठीक। आ गई बात समझ में। तो जब संविधान संशोधन करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिल जाती है, इसलिए अक्सर मांग करते हैं कि हमें संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है, ये रहता है। तो यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन है ये इसी अनुरूप है कि ग्राम पंचायतों का विकास अब नहीं हो पा रहा है, आपने कानून बना लिया, आपने योजनाएं चला ली सब कुछ, अब आप इसको संवैधानिक दर्जा दो ताकि जिसके पास अधिकार है वो अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर सके, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत का कोई सरपंच है, एग्जाम्पल के तौर समझिए, उसके पास जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, ठीक, वो एक संवैधानिक पद होता है ग्राम पंचायत का सरपंच। आप देखोगे कि पैसे से कोई कितना करोड़पति भी हो लेकिन वो सरकारी कार्यालय में झंडा नहीं फहरा सकता, सरकारी कार्यालय में झंडा वह जिसको अधिकार होगा। अपने घर पे आप 4 झंडे फहरा लो, आपको स्वतंत्र, आप अपने देश के नागरिक हो, आप कर सकते हो जैसे, लेकिन सरपंच भले वो गरीब हो, उसके घर भी ना हो, लेकिन झंडा पंचायत में ग्राम पंचायत में वही फहराएगा तिरंगा झंडा, क्योंकि भारत का संविधान उसको परमिशन देता, आज्ञा देता। तो ये हो जाती है कुछ विशेष शक्तियाँ जो सबके पास नहीं होती है, क्लियर। तो हम 73वें संविधान संशोधन में जो यहाँ पर बातें लिखी हैं आपको इसको बहुत गहराई से पढ़ना है, यही से क्वेश्चन घुमा फिरा कर एनआरआईटी के क्वेश्चन बनते हैं जो विश्लेषण वाले होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसका एक तरफ से विश्लेषण करेंगे, ठीक। जैसे 243 में क्या दिया है, परिभाषाएं दी हैं, 243 का और या ए दोनों एक ही है ना, कभी हिंदी में लिख दिए कभी इंग्लिश में। यहाँ पर क्या है, ग्राम सभा, ठीक। फिर 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इस क्वेश्चन में 2-3 बार विवाद भी हो चुका है ना, आप जानते होंगे शायद PSC में। उसने पूछा कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 के या 243 टा, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक। कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे किससे बनेगा,
अनुच्छेद से बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पूछ लेगा कि पंचायतों की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है, सी में। संरचना का आरक्षण का वर्णन किस में है, डी में। ठीक, फिर 243 ई है, पंचायतों की अवधि आदि, अवधि का वर्णन किस में है, ई में। ई मतलब होता है इलेक्शन, और इलेक्शन कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के, तो इसकी अवधि कितनी होती है, अधिकतम 5 वर्ष। तो फिर जब अभी जब इसका विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, ट्रिक बनाते हैं, अभी मेरे पास भी नहीं है, कुछ बनाएंगे आज कल फिर देखते हैं। ठीक, 243 जो जी है छा, ये पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। इसके बाद 243 आप जा पढ़ोगे एच, यहाँ पर पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ और उसकी निधियाँ। कर आरोपित, आप टैक्स वाले हो ना, तो ये वाला पढ़ के रखना, कभी पूछ ले डायरेक्ट कि चलो आप कर के बारे में टैक्सेशन में जा रहे हो, आपको पता है कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत में कर लगा सकता है कि नहीं, टैक्स लगा सकता है कि नहीं, उसको शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं, 243 जा या फिर एच में। ठीक, फिर 243 आई ये झा, यहाँ पर वित्तीय शक्तियाँ हैं, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते इनकम, इनकम में क्या होता है, आई से इनकम, आई से वित्त, तो ये वाला थोड़ा सा याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर जे है या यहाँ है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक, फिर यहाँ पर 243 टा है के, पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर यहाँ पर एल है संघ राज क्षेत्रों को लागू होना, संघ राज क्षेत्र को मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर यह अधिनियम लागू होगा, उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति के अनुमत होते हैं उसमें बताएंगे। फिर 243 एम है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा है लागू होना, यहाँ पर क्या लिखा है, ना होना। कतिपय क्षेत्र का मतलब ये अनुच्छेद इस बात का अनुमति देता है कि ये जो पंचायती राज अधिनियम है 243 कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक, कौन से क्षेत्रों पर, जैसे कुछ क्षेत्रों का जो शासक प्रशासक नियुक्त करता है वो करता है राष्ट्रपति, और यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया कि जो पंचायत विषय है वो किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। राज्य सूची का मतलब होता है कि जिस सूची में विषय है उस पर अधिकार, ही कानून बनाने का अधिकार उसी राज्य को है। ठीक है, सूचियाँ 3 है, मैंने आपको बताया था, केंद्र सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 47 विषय हैं, उसमें से एक है पंचायतों का गठन, ये पंचायत उसमें से एक क्या है, 47 में से एक पंचायतों के लिए। तो यहाँ पर केंद्र सरकार नियम नहीं बना सकती है, क्योंकि संविधान ने किसको दिया अधिकार, ये राज्यों को। राज्य सूची में जो निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा, यहाँ पर एक बात लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सदस्य, फिर क्या लिखा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। ठीक, अगला पॉइंट समझिएगा, मध्य स्तरीय पंचायतों का तथा जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा, सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये लाइन समझ में आई, अब देखिए समझिए इस बात को, अभी जो वर्तमान में चलती है, जैसे मान लीजिए जिला पंचायत है, ठीक, अब जैसे सतना जिला पंचायत में 26 वार्ड हैं, कितने वार्ड हैं, 26 वार्ड, जो जिला पंचायतों का गठन किया जाता है एक 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 वार्ड का, उसकी जो जनसंख्या का आधार होता है लगभग 50,000 प्लस, 50,000 जनसंख्या से ऊपर एक वार्ड बनाया जाता है। ठीक, तो जैसे टोटल कितने वार्ड हैं, 26 वार्ड, सतना की जनसंख्या लगभग अभी वर्तमान में 2011 के अनुसार 23 लाख के आसपास जनसंख्या थी, कितनी थी, 23 लाख। तो यदि 23 लाख और 26 वार्ड है तो हम देखें तो लगभग पर वार्ड 75,000 के आसपास आता है एक सदस्य, तो 50 के ऊपर है ना, तो 50 के ऊपर में एक हम सदस्य बनाते हैं, क्या एक वार्ड गठन करते हैं, अब फिर जिले की जनसंख्या के अनुसार वार्डों का गठन हो जाता है कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है किसी की कम है। तो मैं एग्जाम्पल किसका दे रहा हूँ, सतना का, तो यहाँ पर 26 वार्ड है, तो पहले क्या करेंगे, सदस्य का चुनाव होगा, ये हर वार्ड का एक सदस्य बनेगा और इसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती, सीधे वोट डालती है। जब पंचायतों को चुनाव होता है ना तो 4 मत मिलते हैं उनको, एक पंच का, एक सरपंच का, एक जनपद सदस्य का और एक जिला पंचायत सदस्य का। अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा मैं, मेंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 एक साथ ही करते हैं, वो थप्पा लगाने का काम आता है, उसमें कलर रहते हैं, एक नीला, पीला, गुलाबी और सफ़ेद। जो सफ़ेद होता है वो कलर होता है पंच का, नीला होता है सरपंच का, पीला जनपद का और गुलाबी जिला पंचायत का। ये इस बार कलर रखा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा, उसके लिए जनसंपर्क विभाग एक वीडियो भी जारी किया था, उसमें
अच्छा आपने ड्यूटी की, हाँ आपको तो पता होगा, फिर तो समझ में आएगा। ठीक, जिनने नहीं की उनको समझ में आ गया होगा आपका भी। हाँ, वो मोड़ के ही देते हैं पहले से। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता रहती है उनकी ड्यूटी रहती है, वो लोग स्केल लिए रहती हैं तो उसको मोड़ के पहले से ही देती हैं। फिर वो महिला पुरुष जो भी जाते हैं, हाँ गुप्त मतदान होता है, फिर उसको खोल कर थप्पा लगा कर वापस से मतदान बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक, मैं भी था ना, मैं तो गिनती में भी रहता हूँ वहाँ पे, जब गिनती चलती है ना जनगणना, तो हम लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वो फिर कौन किसको रिजेक्ट करना है किसको नहीं करना, अधिकारी सबको दिखाता है, फिर वो सील सिक्का लगते हैं, पूरी प्रोसेस चलती है। एक बार अंदर चले गए बाहर नहीं आने देते। हाँ हाँ, मुश्किल होता है, उसमें सस्पेंड हो जाते हैं। और कभी एक बोर्ड का भी इधर उधर आ गया ना, तो वो फिर जो जिसके ऑफिसर है ना उसकी फिर जॉब तक खतरे में आ जाती है कुछ गड़बड़। चलिए, तो यहाँ पर जो सदस्य हैं, देखिए सदस्य को कौन चुन रहा है, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुन रही, फिर इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। तो जो यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा, तो क्या जनता चुन रही क्या इसको अध्यक्ष? नहीं, इसको कौन चुन रहा है? सदस्य। तो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। तो जब हम यहाँ पर पंचायतों की संरचना करेंगे, तो यहाँ पर आपने देखा कि तीन स्तरों के पंचायतों के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किस रूप में? प्रत्यक्ष रूप से। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बताओगे आप? जब मेंबर की बात आएगी तो डायरेक्ट, ठीक है, और जब हेड की बात आएगी तो इनडायरेक्ट, वो चुनेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए। फिर यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो मध्य स्त्री का मतलब जनपद है, मध्य स्त्री का मतलब जनपद। और यहाँ पर क्या, जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख यानी सरपंच का निर्वाचन राज्य विधान मंडल द्वारा निर्वाचित विधि के अनुरूप किया जाएगा। अब इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ना, ये वाला जो पॉइंट समझा रहा हूँ ना, ये उसके लिए समझा रहा हूँ कि जब आप एकदम सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, 50 में से आपने 40-42 बना ली और टफ क्वेश्चन आ गया, तब भी आपसे ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित विधि के अनुसार किया जाएगा। ठीक, यानी जो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव है किसके तहत किया जाएगा? राज्य मंडल जिस प्रकार बता देगा कि सरपंच का चुनाव ऐसे होगा। अब राज्य विधानमंडल ने क्या बताया है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, नहीं समझे मेरी बात? डायरेक्ट, अभी सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? डायरेक्ट रूप से। तो ये किसने तय किया है? राज्य विधानमंडल ने। आगे समझ में? ये अपनी पॉलिसी कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान में पॉलिसी ये है कि सरपंच डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, ठीक है, लेकिन ये तय कौन करता है? इसके अनुरूप, विधि के अनुरूप किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के अनुसार। क्लियर है? अब देखिए, वर्तमान में सभी राज्यों के सरपंच निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप से। ये वर्तमान की स्थिति, कभी अप्रत्यक्ष रूप से कर दें, ठीक है, ये चीज़ रहती है। जैसे आपने देखा होगा, अभी एग्जांपल समझिए कि जो महापौर होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट आप एक महापौर को वोट देते हो, एक अपने पार्षद को देते हो। ठीक, जब कमलनाथ की सरकार आई 15 महीने के लिए, उसने बदल करके कर दिया कि महापौर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, पार्षद मिलकर चुनेंगे। फिर जब इनकी सरकार गिर गई तो वापस से आए मामा जी, तो वापस से प्रत्यक्ष रूप से कर दिए। तो जो अभी चुनाव हुआ है वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। आ गई बात समझ में? तो ये किसके ऊपर रहता है? विधानमंडल के ऊपर, जिसकी सरकार है उसकी विधानमंडल रहता है। ठीक, चलिए इसके आगे से कर। अब देखिए, राज्य विधानमंडल यह प्रावधान कर सकती है कि अब जो प्रावधान करेगी करेंगे। ये जो दो अनुच्छेद 243 ओ तक है ना, यहीं तक आपको बहुत ढंग से समझना है, फिर बाकी चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद कल करेंगे, कल इसका कंटिन्यू करेंगे, फिर कोशिश करेंगे संडे को, यदि आप लोग रेडी रहोगे तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा जल्दी से।